शिवपुरी पुलिस की नाक में दम किए हुए मोटरसाइकिल चोर गिरोह में पुलिस ने एक अपराधी को 23 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। हालांकि मोटरसाइकिल चोरों के संबंध में पुलिस का कहना है कि वह अभी पड़ताल कर रही है और उसे अब तक सफलता नहीं मिल सकी है, लेकिन पुलिस का यह कहना जरूर है कि उन्हें इस संबंध में कोई क्लू जरूर मिला है। वहीं गिरफ्तार किए गए मोटरसाइकिल चोर ग्रुप के एक छात्र अपराधी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर प्रेस के सामने 23 मोटरसाइकिलों को बरामद करने का दावा किया है। यह मोटरसाइकिल शहर के अलग अलग हिस्सों से चुराई गई थी। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी रघुवंश सिंह का कहना है कि यह मोटरसाइकिल चोर गिरोह न केवल मोटरसाइकिलों को चोरी करके बेचता था बल्कि उनकी कटिंग भी की जाती थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ इस चोरी की वारदातों में कौन कौन लोग शामिल हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या मामला है? ये 23 गाड़ियां जो है चोरी की पकड़ी गई है कोतवाली थाने में। इसमें एक आरोपी उसके पकड़ा गया, कुछ गाड़ियां उससे पकड़ी गई हैं। लगभग 14 अपराध तो कोतवाली थाने के हैं, बाकी शेष अपराध जो है अन्य थानों के, जिले के अन्य थानों के। आरोपी को पकड़ा गया है, इससे अभी बरामद किए गए हैं, इनका रिमांड लेके और मामलों का जो है पूछताछ की जाएगी। कितनी बाइक है सर? 23। पूर्व में भी कोई अपराध है? हाँ, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, ये जो सभी थानों में 21 मामलों में ये कीमत आकी गई है सर गाड़ी। ये कम से कम 50,000 तो कीमत होगी मोटरसाइकिल उसके मानक से देख लीजिए। आरोपी गिरफ्तार हुआ ना? एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, एक आरोपी गिरफ्तार है। एक आरोपी कहाँ का है? इसमें आरोपी कितने? एक आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ है। उसको पता तो पड़ा हो कितने लोगों का गैंग है? हाँ, गैंग और उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, अभी नाम नहीं बता पाएंगे। आरोपी कहाँ का है? करेंगे। आरोपी कहाँ करेंगे? आरोपी सिरसो थाने का। सर मोटरसाइकिलों का उपयोग करता था? ये मोटरसाइकिल चुराते बेचते थे और उसको कट भी करते थे। लोकल में बेचते थे कहीं बाहर बेचते थे? बाहर भी ले आते हैं, यहाँ भी ले आते हैं और कट भी करा देते हैं, मशीन मशीन से निकाल देते हैं। ये सभी स्टेट इसी थाना अपने स्टेट की इतनी गाड़ियाँ लगभग कितने समय में चुराई होंगी सर? हाँ, कितने समय में चुराई होंगी ये इनसे और गहन पूछताछ करेंगे कितने समय की है। लगभग अभी यह तहसील में न्यायालय की परिसर में भी चोरियाँ जो हुई थी उस मोटरसाइकिल चोरियाँ उसकी भी मिली है इसमें। तो सर ये 23 मोटरसाइकिल जो अलग अलग जगह से पाई गई कि एक ही जगह रखे थे लोग? अलग अलग जगह, सेपरेट जगह से। शिवपुरी में? ओनली शिवपुरी से? शिवपुरी से सारी सारी मोटरसाइकिल बरामद हुई। हाँ सर, अभी हाल ही में और भी मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं? हाँ, अभी चोरी हुई हैं, दो तीन दिन पहले लगातार 3-4 इसी गिरोह का काम है? दूसरी नहीं, दूसरा गिरोह, वो गिरोह दूसरा है, वो उसका बारे में पूछताछ भी हुई है तो वो स्वीकार नहीं किया है। अन्य गिरोह जो है उसके बारे में पता हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में। सर जी, जिसको गिरफ्तार किया है इसमें उनका नाम जाना नहीं जा रहा कि बाकी और कौन शामिल है, लेकिन कितने लोगों का गिरोह है सर? ये 2-3 लोग और हैं इसमें, उसको हम लोग कर रहे हैं पूछताछ कर। नाम बताए नहीं? नाम भी खुला। अभी सर जो बाइक चोरी हुई है इसमें से कोई एक आध आई है? अभी ये 2-3 दिन पहले हुई है। हाँ, 2 दिन पहले हुई, 2 दिन पहले हुई थी जी। तो उसमें पुलिस को कुछ क्लू मिला है जी? जी, इम्पोर्टेंट क्लू मिला है सर। अधिकतर देखा जाता है कि अस्पताल चौराहे के आसपास से बाइक चोरी होती है, मतलब पकड़ी भी जाती है, चोरी भी होती है थोड़ा सा। तो बाइक जो इसमें जो बाइक रखते हैं उन्हें भी जो है आप लोग के माध्यम से मैं चाहता हूँ जी सर, उसमें जो सिक्योरिटी मेजर्स आजकल बहुत आ गए हैं तो उस सिक्योरिटी मेजर्स का जो है फॉलो करें, लॉक अच्छे लॉक लगाएं। आजकल जो है ये भी है कि इसे कोई गाड़ी टच करेगा तो साइरन बजने लगते हैं। इन सारी चीज़ों को यदि फॉलो करेंगे तो पुलिस को सुविधा होगी, पुलिस भी उसको पकड़ पाएगा। अब मोटरसाइकिलें कितनी मोटरसाइकिलें चल रही, हर जगह पुलिस तो है उपस्थित है नहीं, हर जगह पर पुलिस उसकी सुरक्षा करे तो अपनी सुरक्षा थोड़ा सा करनी पड़ेगी बाइकर्स को भी। सर सभी गाड़ी मालिक को सूचना दे दी गई? हाँ, दे दी जाएगी। सर जो बरामद मोटरसाइकिल हुई है अधिकांश उसमें ही रोकी है, तो क्या जी आसान निशाना है क्या चोरों के लिए? उसका ऐसा जो है बताया जा रहा है कि हीरो की जो इंजन है उसका इस्तेमाल ये लोग अन्य चीज़ में भी करते हैं,
कोई जनरेटर है या कोई चीज बनाने में पंप भी बना लेते हैं, ये सब कामों में इस्तेमाल करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।